साहस सरोकार। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, मारपीट के दौरान कई लोग बुरी तरह से घायल। संत कबीर पब्लिक स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव, सिकटा विधायक और प्रोफेसर ने किया कार्यक्रम में शिरकत। सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन। डीएम ने किया युवा महोत्सव का उद्घाटन, संगीत शिक्षिका ने उठाया बड़ा सवाल। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, प्रतिबंधित प्लास्टिक ग्लास फैक्ट्री का किया उद्भेदन। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 4 लोगों को बेतिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया। देखा और किस्त टूटा था तो उससे पैसा 4500 मांगा और नहीं देने पर बाइक छीन लिया। संयोग से हल्ला हो गया, हल्ला होने पर थाना को सूचना हुई, थाना जाकर इन्हें पकड़ा है, पूछताछ हुई है, तो अन्य लोगों का भी नाम ये लोग बताया है। और ये सारे इलीगल रूप में ये कार्य चल रहा है, एक बहुत बड़ा गैंग है जिसके तहत ये अपना कार्य लोग कर रहा है। कई और लोग का नाम आ सकता है? हाँ, अभी तो ये कुछ और नाम भी दिया है जिस पर जांच की जा रही। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां सिकटा प्रखंड के शांति चौक स्थित संत कबीर पब्लिक स्कूल में हुए वार्षिक उत्सव में सिकटा विधायक और प्रोफेसर ने पहुंचकर दीप जलाकर और कहा यह विद्यालय अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए मायने रखता है। वहीं प्रोफेसर शशि भूषण श्रीवास्तव और नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा ने संयुक्त रूप से विद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राओं को सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया। खबर जमुई से है, जहां लखीसराय मुख मार्ग में पड़ने वाले नारायणपुर पंचायत के सोनई मंडवा गांव के स्थानीय निवासी युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया ताकि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से सहायता राशि मिल सके, जिसके बाद जमुई थाना के SI ने परिजनों को आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा जो भी सहायता राशि प्रदान की जाती है वह आपको दी जाएगी। सर, तो आप लोग जाम लगाए हुए हैं, रोड को जाम किए हुए हैं, क्या मांगे आप लोगों का? ये टोला सेवक में थे और शिक्षा सेवा में थे जी। तो उनके बदले इनका परिवार के भविष्य के लिए उसी पद पे कार्यरत होना चाहिए। अच्छा, प्रशासन आए हैं? प्रशासन जी हम आए। क्या आश्वासन मिला आपको? उससे मिला कुछ नहीं, बोल रहे हैं पहले पोस्टमार्टम होगा, तो हमने बोला जब तक हमको लिखित नहीं मिल जाएगा जब तक हम पोस्टमार्टम होने नहीं देंगे। तो क्या चाहते हैं आप? बेटा की नौकरी चाहिए, मेरा पिल्सिन चाहिए, बाद दो गो छोटा छोटा बच्चा और दोनों का पढ़ाई चाहिए। दोनों पढ़ाई का खर्चा मिलना चाहिए, पढ़ाई चाहिए, बहाली होने खोज रहे कि हम आगे पढ़ेंगे, दोनों पढ़ाई चाहिए सर। एक बेटा के मेरा नौकरी चाहिए सर, मेरा पिल्सिन चाहिए सर, कहाँ जाएंगे कमावे। खबर बेतिया से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने चिकित्सक के घर पर गोलीबारी के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। बता दें 25 लाख की रंगदारी को लेकर चारों युवकों ने बीते 14 नवंबर को चिकित्सक के घर गोली चलाकर दहशत फैला दी थी, जिसमें रंगदारी में प्रयुक्त मोबाइल नंबर के आधार पर जाँच पड़ताल शुरू की गई और पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
खबर मधुबनी से है, जहां डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने नगर भवन में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि इस प्रतियोगिता से जिले के प्रतिभाशाली युवाओं को एक मंच मिला और सफल प्रतिभागी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका मिला। यहाँ मैं आई हूँ, आज युवा महोत्सव, जिला स्तरीय युवा महोत्सव हो रहा है। यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पेंटिंग, ये मूर्तिकला, ये सिंगिंग, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, हर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ये। लेकिन एक जो मेरा ओपिनियन था कि एक चीज़ मैं देखती हूँ कि यहाँ जो स्टेट, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट से जो क्वालिफाई करते हैं हर विधा से, वो फर्स्ट जो होते हैं, वो फर्स्ट विनर वाले जो कंटेंट हैं जाते हैं स्टेट लेवल के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। आलोक कुमार ठाकुर से लेकर राज्य स्तर से फिर राष्ट्रीय स्तर, मनमोहन कुमार जाते हैं, युवा जो है वो मनमोहन कुमार, इसमें विभिन्न विधाओं का यह प्रतियोगिता होता है। नंदन, जिसमें जो नाम हमारे सामने है, नंदन क्या उन तक मेरी आवाज आ रही है? आप क्या बजाएंगे? इत्यादि इत्यादि क्लासिकल नृत्य। और इस महोत्सव का उद्देश्य रहता है कि हमारे राज्य के जो युवा हैं, जो कलाकार हैं, उनको एक मंच प्रदान करना कि अपनी प्रतिभा का, अपनी कला को दिखा सकें वो। इसी क्रम में राज्य स्तर पे जो कार्यक्रम किया जाता है उसमें पहचान के लिए उसमें भाग। खबर मोतिहारी से है, जहां प्रशासन को बड़ी सफलता मिली और आर्यराज डीएसपी व नव सीओ ने गुप्त सूचना पर प्रतिबंधित प्लास्टिक ग्लास फैक्ट्री का उद्भेदन किया। बता दें, प्रशासन के आने की भनक लगते ही फैक्ट्री संचालक व कर्मी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने अवैध सामान को जब्त किया और फैक्ट्री को सील कर कार्रवाई में जुट गई। खबर नालंदा से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास का 23वां स्थापना दिवस लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काट कर मनाया। इस मौके पर पूर्व विधायक नरेश प्रसाद ने लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। बता दें, पूरे देश में लाखों पार्टी के कार्यकर्ता स्थापना दिवस के मौके पर यह संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव 2024 और 25 में बिहार का तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। बिहार का कल्याण, बिहार का कायाकल्प लालू मॉडल और नीतीश मॉडल नहीं कर सकता। अगर बिहार के अंदर बदलाव आना है, सूरत बदलना है, तस्वीर बदलना है, तो इन दोनों मॉडल को धक्का मार के एक नया मॉडल, चिराग मॉडल को स्थापित करना होगा। अपने दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का साथ मिलकर संकल्प लिया है। साथ ही साथ हमारे नेता चिराग पासवान जी का हम लोगों ने आह्वान किया है, उनका हाथ मजबूत करेंगे और आने वाले 24 और 25 में उन्हें 25 विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे सभी। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गौसे,
देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल, पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नालंदा से है जहां बिहार शरीफ के सरदार पटेल कॉलेज में पिछले 23 नवंबर से एनसीसी ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें यह कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 500 तक बच्चों के द्वारा ट्रेनिंग लिया जा रहा है और इस ट्रेनिंग के दौरान एनसीसी कैडेटों को परेड, नक्शा, प्रशिक्षण, फायरिंग, सामाजिक सुरक्षा, हथियारों की जानकारी समेत कई अहम जानकारियां भी दी जा रही हैं। वहीं ट्रेनिंग के दौरान अचानक चार बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद सभी बच्चों को आनन फानन में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चार एनसीसी कैडेट का इलाज चल रहा है। जैसे इनको किसी को प्रॉब्लम होता है, इनको एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस रहती है, हमारे साथ वहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं, कंपाउंडर रहते हैं, तो इनको फिर यहाँ कहते हैं हॉस्पिटल में लाके इनका चेकअप कराते हैं। ट्रेनिंग कहाँ चल रहा है? ट्रेनिंग हमारा सर चल रहा है SPM कॉलेज में, ये अपना सरदार पटेल कहते हैं मेमोरियल कॉलेज। नहीं, कितने लोगों का वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है? ये 500 का कैडेटों का चल रहा है, अपना SD सीनियर डिवीजन का और JD का, जूनियर डिवीजन का। खबर नवादा से है जहां जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के धनपुरी गांव में छत से गिरने से एक 7 साल के बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। खबर भागलपुर से है जहां कहलगांव शहर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। बता दें 13 सालों से यह सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में भागलपुर के सांसद अजय मंडल भी शामिल हुए। अजय मंडल ने कहा कि काफी खुशी की बात है कि कहलगांव शहर में भी इस तरह का सेवा किया जाता है। कलोन जी हैं, इनके मुख्य रूप से दान दहेज जो भी हो कहिए उनको सौगात के रूप में, गिफ्ट के रूप में वो सारी व्यवस्था वहाँ से वो कर देते हैं। गांव वाले का भी सहयोग इसमें बराबर रहता है। आज के सामूहिक विवाह में आज कन्यादान का भूमिका निभा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा मौका मिला, जो कन्यादान करने का मौका मिला है, और चूंकि कन्यादान भी हम उसका कर रहे हैं जिसके माता पिता कोई नहीं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां नरकटियागंज प्रखंड के शिकारपुर पंचायत में आत्मा की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसके जरिए रवि फसलों के बारे में किसानों को जागरूक किया गया और किसानों को रवि की बुआई से लेकर कटाई तक के वैज्ञानिक तौर तरीकों से अवगत कराया गया। इस दौरान नाटक कर बेहतर किसानी करने के तौर तरीके को भी बताया गया। खबर बेतिया के चौतरवा से है जहां लघु नाहा में श्रीराम विवाह और गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बाबू धाम ट्रस्ट के संस्थापक रहे। बता दें उक्त कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सब ने खाखी मंदिर और बाबू धाम ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में प्रशंसा की। कन्या का विवाह होता है, हम लोग के धर्म में, सनातन धर्म में माना गया है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है, और यहाँ जितनी भी कन्याएं, जो गरीब कन्याएं हैं जिसकी पिताजी अपना उसकी विवाह करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उसको, उन कन्याओं को यहाँ विवाह किया जा रहा है और अपने सामूहिक विवाह किया जा रहा है कि यहाँ के समाज के जो लोग हैं वो उनके सहयोग से सब किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा पुण्य का काम किया जा रहा है और इसमें अगर बाबूधाम ट्रस्ट इसमें अब जुड़ा है।
खबर नालंदा से है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाव लश्कर के साथ अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिगहा पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्मृति वाटिका में अपने स्वर्गीय पिता की 44वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कल्याण बिगहा के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। बता दें माल्यार्पण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास भी गए और उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस दौरान मौके पर हिलसा विधायक के साथ कई जदयू कार्यकर्ता व अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। स्वर्गीय रामलखन बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से यही कामना है कि इनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस गांव में आए हैं और लोगों की सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, लोगों से व्यक्तिगत रूबरू हो रहे हैं, अपने परिवार के बीच आए हैं, अपने लोगों के बीच आए हैं और एक अच्छा सा खबर नालंदा से है जहां चौराहे पर पिकअप वैन ने ई रिक्शा को जबरदस्त ठोकर मार दी जिससे ई रिक्शा पर सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले में चश्मदीदों ने बताया कि ई रिक्शा पर सभी यात्री रामचंद्रपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अस्पताल चौराहा के समीप पिकअप वैन ने ठोकर मार दी जिससे ई रिक्शा पर सवार 5 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मॉर्निंग वॉक में तो देखा कि अस्पताल चौक पे एक टोटो रिक्शा एक्सीडेंट कर गया है, किसी पिकअप वैन ने धक्का मार के भाग गया था। मैं देखे ये लोग लाचार स्थिति में, इन लोगों को देखा काफ़ी ये लोग घायल थे, चोट थी काफ़ी जी। फिर 112 पे कॉल करके मैं बुलाया, एम्बुलेंस वाले ने आया, एम्बुलेंस की मदद से लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नालंदा से है जहां राजगीर महोत्सव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री इस साल शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन वित्त मंत्री और सह जिला प्रभारी ने दीप जलाकर किया। बता दें इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री विभाग श्रवण कुमार, विधायक राजगीर कौशल किशोर के साथ कई लोग मौजूद रहे।
आई है, लेकिन हम सब लोग मिलकर के बिहार के लोगों ने और बिहार की सरकार ने सब लोग मिलकर के कोरोना को परास्त किया। अब कोरोना के परास्त करने के बाद अब महोत्सव फिर से शुरू हो गया है। इसका आनंद हमारे बिहार के हर कोने में जो महोत्सव हो रहे हैं उसका आनंद उठाएंगे। हम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, वो तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन जो उन्होंने काम किया है बिहार के लिए और खास करके जो राजगीर के लिए उन्होंने काम किया है वो अद्वितीय है, उसका जोड़ा नहीं लगा सकते हैं। जो लकीर बिहार के लिए और राजगीर के लिए नालंदा के लिए बिहार में नीतीश कुमार जी ने लागू किया है उसका अनुकरण इस देश के दूसरे प्रदेशों में हो रहा है। इसी का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई रूपांतरित करके आजीविका के नाम से दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है और बाहर से इस देश से बाहर दूसरे देशों के लोग आकर इसको समझ रहे हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाला कार्यक्रम किस रूप में संचालित हो रहा है, सीखने आ रहे हैं। तो ये आपके प्रदेश के नेतृत्व बिहार के सहरसा में रक्त काली मंदिर स्थित बाबा कारू खिरहर संग्रहालय का बुरा हाल हो गया और मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां रखी थी वो सब जमींदोज होती जा रही हैं और जिला प्रशासन इस मामले में कोई सुध नहीं ले रहा है। बता दें, उद्घाटन के बाद लोग इस संग्रहालय में रखी प्राचीन काल की मूर्तियों को देखने आते थे, लेकिन दुर्भाग्य इस संग्रहालय से 2005 में बुद्ध जी की मूर्ति चोरी हो गई थी। उसके बाद से यह संग्रहालय बंद हो गया और 16 सालों बाद संग्रहालय को एनडीए सरकार ने कला संस्कृति बने आलोक रंजन के द्वारा फिर से इसको खुलवाया गया। उदासीनता और प्रशासन की लापरवाही के चलते ये संग्रहालय उदासीनता का शिकार बन चुकी है। जो सामान्य होनी चाहिए प्राचीन काल की वो नहीं यहाँ पर दिख रही है। यहाँ जैसा सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जो सब सामान होना चाहिए, यहाँ की सभ्यता की संस्कृति की जो सामान होना चाहिए जिससे कि यहाँ पर्यटक जगह पर आने वाले बच्चे कुछ इस संग्रहालय से सीख सके, वैसी कुछ भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। ना तो स्वच्छ है, ना सफाई है, ना सौंदर्यीकरण है, ना ही सामान है, सिर्फ संग्रहालय है। संत बाबा कारू खिरहरी प्रमंडलीय संग्रहालय है। अब वो सरकार जो करे नहीं करे उन लोगों के हाथ में है, अच्छा कर दे और बढ़िया, नहीं करे तो वही लोग न करेगा। क्या लगता है जो प्राचीन काल की जो सब तो टूट भांग गया है, सरपच गया है, सामान सब सरपच गया। अब धो धकार हो रहा है, चार ठो गार्ड है, धो धकार सफाई सुथरा सब कोई कर रहा है। सांस्कृतिक सभ्यता की मिसाल है ये, संस्कृत का तो है ही है, यहाँ पर जो किए हैं वो करके चले गए हैं। देखो के लोग जाते होते हैं, ऐसा बात नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत आदमी आते हैं। अच्छा, तो पहले जैसे आते थे 2005 तक जो है आदमी बहुत आते थे, 2005 के बाद जो है आदमी आना कुछ जो है धीरे धीरे कुछ बुद्ध भगवान का मूर्ति था उसमें से चोरी हो गया 2005 में, तब से जो है ये बंद पड़ा हुआ था। ये जो है अब की बार जो है ये आलोक रंजन ये जो है अब की बार जो है खुलवाए हुए थे। खबर सुपौल जिला के निर्मली प्रखंड नेपाल से सटे बॉर्डर क्षेत्र से है, जहां के लोग बारिश के समय में बाढ़ और सुखाड़ के समय में सुखाड़ दोनों से ग्रसित रहते हैं। यहां की सबसे मूल समस्या तिलयुगा नदी है जो नेपाल से निकलती है, जिसमें कोशी का जलस्तर बढ़ने से नदी का भी जलस्तर बढ़ जाता है, जिसको लेकर वहां के हर कोई लोग परेशान रहते हैं। जब मीडिया संवाददाता इस कोशी क्षेत्र में पहुंचे तो वहां के ग्रामीणों और सारे प्रतिनिधि एवं आरजेडी के जिला महासचिव राम प्रवेश यादव ने जब बात की तो उन्होंने कहा, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही नदी है, सरकार अगर इस नदी को चैनल के रूप में बना देती है तो पानी सारा निकल जाएगा बाहर और यहाँ के लोग बाढ़ से भी छुटकारा। जीपीडीपी पर लेकर इसका मरम्मती इसका कर सकते हैं आप, काम कर। आवास योजना में सर कितना काम होगा? हाँ, इस यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व में जो सूची बनी थी, हमसे पूर्व
उसमें लगभग वो सूची समाप्त होने की स्थिति में है, मात्र 25 या 30 व्यक्ति का नाम उस सूची में बचा हुआ है। अब पदाधिकारी का कहना है कि इसका साइट खुलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो फिर से नई सूची बनेगी। मैं आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से, अपने माननीय पदाधिकारी महोदय से, अपने यहाँ की सरकार से, पोजीशन ऑफ व्यू उसका सही रहना चाहिए। प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त हो जाए, सरकार के फरमान को अक्षर से पालन करने लगे, तो मजाल है थोड़ी ये माफिया, उसका क्या औकात है? आखिरकार सर, इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार में शराबबंदी है, अगर फिर भी मिल रही है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है इसका? इसके जिम्मेदार हम प्रशासन को करेंगे, प्रशासन उसको। सरकार तो सर आप ही लोग का सरकार है, तो सर इसको तो आप ही लोग इसको हैंडलिंग कर सकते हैं। मैं बेशक मैं बताऊं कि सरकार हम लोग की अभी अभी बनी है और इस पर मंथन चल रहा। खबर बेतिया से है, जहां बारात के दौरान मदरसा के सामने डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हो गई और मारपीट के दौरान एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जा रही है 15 का बात हो रहा था, लेकिन एक किसी कारणवश कैंसिल हो गया, जिसके वजह से हम 14 पे फुल एंड फाइनल हुए। और पिछले 45 दिन से वार मतलब युद्ध बेस पर हमने काम किया, चाहे वो टोला स्तर हो, शहर स्तर हो, ग्रामीण स्तर हो, या आउट ऑफ स्टेट की बात करें तो हम लोगों ने वहाँ भी जाकर गरीब बच्चों के कन्यादान के लिए भीख मांगा है। और मैं आज अपना व्यवसाय करीबन 40 दिन से बंद करके इसमें लगा हूँ, क्योंकि भगवान ने हमें बेटी नहीं दिया है। मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको भी बेटी नहीं है और मुझे भी बेटी नहीं है। तो आज इन जिन बच्चियों की शादी हो रही है वो हमारे लिए हमारी बेटी के बराबर है, और जो कन्यादान हो रहा है वो मैं खुद समझ रहा हूँ कि ये मैं खुद कन्यादान कर रहा हूँ। जितनी भी बच्चियाँ हैं जिनकी शादी हो रही है, बारात आया था दुआ पे, ठीक है बारात, तो ये लोग मदरसा के पास लाया बारात ना, तो ये मदरसा वाला लोग बोला महंतम लोग यहाँ पर नत बजाओ मदरसा है, मदरसा इतवा के बढ़ा लिया, फिर ये लोग फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, बाजा वाजा पर चढ़ गया, तार का लाइट काट दिया और गाड़ी पर ट्रैक्टर पर लाठी से मारने लगा ये लोग। अब ड्राइवर अंधेरा हो गया था, ड्राइवर था वहाँ पे, वो भी सब भाग गया कि मार मुना दे। और गाँव में हम लोग थे, अपना बारात के सेवा के लिए लागे थे, कुर्सी टेबल साफ करने के लिए, ये लोग आया, बारात वाला बोलता है कि हम लोग मुस्लिम को मार रहे हैं, हम लोग एक गए छोटे छोटे जो जिसको दिल में आया सुन सुन कर ही दौड़े गए। उसमें बारात आ रहा था तो हम दिनेश महतो के कार्यकर्ता थे, बाद में जब बारात आया मदरसा टोला तो उसमें जो है कि बाराती कोई भाग के गया वहाँ दरवाजे में, उन्होंने कहा कि वहाँ मोहम्मद लो है, वो बहुत मार रहा है लोग। अब उसी आला में हम लोग भी दौड़ के गए हैं, बस हम लोग भी मार दिए है लोग। क्यों मारा गया, क्या कह के मारा? अरे सर हम वहाँ मतलब। खबर मधुबनी से है, जहां फूफा 17.5 साल के भतीजे को लेकर भाग गए, जिसके बाद परिजन घर के इकलौते वारिस के साथ किसी अनहोनी की अंदेशे को लेकर परेशान है। बता दें परिजनों ने मामले को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घर अयला के बाद ने कहलकै कि जे हमरा कोई धमका रहल है, धमकेला के बाद ने पूछलियै जे के धमकबै है, तो ऊ कहलक कि जे बता भी नहीं सकलक, बतेला के बाद मैंने तो हम कहलिए जाओ चलि जाओ नानी गाम, ऊ नानी गाम चलि गेली। नानी गाम गेला के बाद में 18 तारीख के हमरा ई पता लागल कि ओकरा घर गेली खोजे, ऊ कहलकै जे घर खोजे गेली। ककर घर? अशोक यादव के घर। अशोक यादव हमरा से धमकेलक, धमकेला के बाद में कहलक से अहाँ के लड़का, धमकेला के बाद में जो ओ कहलक जे शादी ब्याह करा दिलिए, आ शादी ब्याह के अच्छा लड़का लड़की का शादी विवाह करवा दिए। हाँ लड़का लड़की के शादी विवाह करा दिलिए, फिर एक के बाद से अब कतय गए लड़का लड़की वो जानकारी नहीं है। वो जानकारी हमरा नहीं, हमरा मतलब जानकारी वो बात के नहीं भेल। हमर घर हमरा कहलक से अहाँ सबके घर से गोली से मारि देब सब। अरे बच्चा तो पोता है, एक छू पोता है और नाबालिग है, उसको फंसाने का षड्यंत्र जालसाजी रचा गया और समाज में हमारी प्रतिष्ठा को ध्वनि मिलाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम आगे बढ़ाया है ताकि इनको बदनाम किया जाए। उनकी लड़की 21 साल का है,
और हमारे बच्चे को उन्होंने ही अपहरण कर करके यहाँ से लेकर भाग गया। कौन, लड़की? जी। अच्छा, तो लड़की के परिजनों को इस प्रेम प्रसंग के संबंध में जानकारी पूर्व से था? हाँ जी, पूर्व से था, पहले से था। हमें पता नहीं है, उनको पता है। आपको कब पता चला? हमको तो यह 18 तारीख को पता लगा दूसरे मार्फत से। सिहो उसमें कहा कि आपका पोता कहाँ है। हमने कहा हमारा पोता तो 15 को चला गया मामा गांव, और वह बोला था कि हमको 4 रोज में कोई आदमी मार देगा, हम जिंदा नहीं बचेंगे। हम तो अपने सारा दुनिया तलाश रहे हैं। वो अकेले भाई था? हाँ। नहीं मिल रहा है? हाँ। आप लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा आपको? हाँ। नहीं मिले। तो काहे आप लोग रो रहे हैं? बच्चा लगता था कि कोई चीज़ ना। आपका परपोता था? परपोता। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? हमरा तारा देवी। घर? चंपा। थाना? अनेर। जिला? जिला मधुमानी। पश्चिमी चंपारण के इतिहास में पहली बार गौनाहा प्रखंड के मठ मंझिरिया स्थित 400 वर्ष पूर्व प्राचीन सुदेश्वर शिव मंदिर है, जहां आज भी लोग दूर दराज से यहां सुदेश्वर शिव मंदिर में आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। जिनकी जो भी मुरादें होती हैं वह शिव भगवान से मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वहीं इस मंदिर के बारे में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह एक प्राचीन सुदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में एक खाकी बाबा नाम के एक पुजारी रहते थे, जो वह बाघ पर सवार करते थे, बाघ पर बैठकर रामनगर राज्य में जाया करते थे और उसी बाघ पर बैठकर धान का डोवनी भी करते थे। यहां दूर दराज से बाबा के भक्त आते हैं और हंसते हुए बाबा का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। इस मंदिर का जो है खासियत यह है कि लगभग 250 वर्ष पूर्व यहाँ के पुजारी जो है खाकी बाबा हुआ करते थे। खाकी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे बाघ का सवारी करते थे, कहीं भी जाते थे तो बाघ के साथ चलते थे, बाघ पर चलते थे। है ना, जब खाकी बाबा रहने तो खाकी बाबा अंग्रेज के पहले गए, आ खाकी बाबा बाघ पर जिंदा होकर सवार चले, आ जिंदे ही समाधि वहाँ का ले लें, मृत्यु के समय में नहीं ले लें। आ वहाँ से 400 बरस ये मंदिर है, आ 400 बरस में इतना लोग 115 पर 120 पर चाहे 80 पर लोग मर भी गए हैं, वो भी नहीं बताए हैं कि स्थल हैं जो जिंदा समाधि लिए थे। हम लोग पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि ये बाघ पर चलते थे। ये प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर का ये पुजारी थे जो बाघ पर चलते थे। लगभग कितना साल पहले का इतिहास होगा जैसा कि आप लोग सुनते आए? लमसम मंदिर तो 400 वर्ष पुराना है, लेकिन बाबा का समाधि लिए कम से कम 150 से 200। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस